गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सभी सीखेंगे बेसिक स्कर्ट का ड्राफ्ट। तो अगर आप लोग नए हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक स्कर्ट का ड्राफ्ट। ये देख लीजिए, ये है मेरा पैटर्न पेपर। ओके, ये टू फोल्ड पे है, फोल्ड साइड मेरी रहेगी। ओके, मेरे पास ये फोल्ड साइड है। ओके, अब यहां से मैं अपना मार्क स्टार्ट करूंगी। मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है, एक इंच का यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे और यहाँ पे दो इंच का करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए कहाँ मार्क करेंगे, मार्क कर लो लेंथ जितना आपको चाहिए उतना आप मार्क कर लो। ठीक है, और उसमें एक इंच का ऐड कर लो, लेंथ का ऐड कर लो एक इंच का। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान देना। जो आपका फुल लेंथ है ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से जो हमारा हिप आएगा, हिप डेप्थ आएगा, हिप डेप्थ कैसे मैं बता दूं, अपना वेस्ट से अपना मेजर करिए, वेस्ट से हिप तक का जितना आपका आएगा, जितना इंच का आएगा वहां का आप लोग यहाँ पे मेजर करो और मार्क कर दो। यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हमारी वेस्ट लाइन होगी। तो वेस्ट लाइन हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट लाइन को हमारा इसका फॉर्मूला रहता है, राउंड वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। और यहाँ मार्क कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, मार्क आ गया ये। अब हिप्स का लेंगे, हिप्स का कैसे लेते हैं, राउंड हिप्स डिवाइड बाय 4 प्लस, पहले एक सबसे पहले पॉइंट बना लो, इजी रहता है, पॉइंट वाला बना लो, उस पॉइंट को हम लोग फिर स्ट्रेट कर दो। ये चीज बहुत इजी रहती है करने के लिए। तो ये हमारी वेस्ट हो गई, ये हमारी हिप हो गई, हिप्स हो गई। अब ये हमारी बॉटम मेजर लिया है, उतना सेम हमें इसका भी लेना है, सेम उतना ही लेना है। पहले पॉइंट फिर स्ट्रेट, ये इजी रहता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का एक बॉक्स बना दो। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें जोड़ना है हिप कर्व की मदद से। ओके, हिप कर्व की मदद से। सो ये है मेरा हिप कर्व। ओके, ये है मेरा हिप कर्व। मैं कैसे करूंगी ये चीज, इसे मैं ऐसे करके मैं ऐसे ऐसे मेजर करूंगी। ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ये वाली साइड से मेजर करेंगे। जब हमारा बड़ा पैटर्न होता तो तब हम करते। ओके, अभी छोटा पैटर्न बना रहे हैं तो हम लोग करेंगे, हम लोग फ्रेंच कप की हेल्प से इससे इसको कर देंगे। थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है मुझे। ओके, अभी देखो मैं ऐसे रखूंगी, देखा मैंने कैसे शेप रखा। ये देखो, ये मेरा स्ट्रेट जाएगा ऐसे, ये ऐसे रखना है। ठीक है, ये फ्रेंच कप का हो गया। अगर आप लोग छोटा बना रहे हो तो फ्रेंच कप का कर लो, बड़ा बना रहे हो तो आप इसका कर लो। ये देखो, जो भी आपका आएगा
उसको आप लोग ध्यान रखना। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है सेम इससे स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन मैच करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज का जरूर ध्यान देना। ओके, ये कुछ चीज हो गई। अब यहां से जाओगे 0.5 नीचे जाओगे, हाफ इंच नीचे मार्क करोगे, ठीक है। अब जो हाफ इंच का पॉइंट आया जो इससे आप लोग ऐसे मार्क कर दोगे, ओके, ऐसे मार्क कर दोगे, ये आ गया। अब इस पॉइंट से 3.5 यहां पे जाओगे, जितना आएगा मार्क करो, फिर ये आएगा हमारा। अब हम डार्ट स्टार्ट करेंगे, ये आएगा। अब यहां से हम लोग लेंगे, अब मैं एक चीज बताती हूँ, फ्रंट तो ये मैं बैक वाली बना रही हूँ। जितना आपका आएगा 5.5 पॉइंट मार्क कर लेना, फिर उसे स्ट्रेट कर देना। ये पॉइंट आ गया, अब इस यहां से 0.5 इधर 0.5 इधर मार्क करोगे डार्ट इनटेक के लिए। मार्क कर लिया, अब इन दोनों को मिला दोगे, ओके, ये बन गया मेरा डार्ट। एक बात यहां पे, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने ठीक किया, ये कुछ भी नहीं है। यहां से आप लोग, यहां से जो ये पॉइंट है, जो यहां वाला पॉइंट है, इससे आप लोग 0.5 ऊपर जाओगे। अब वही हिप कप की मदद से आप लोग इसे ब्लेंड कर दोगे, पर मैं छोटा बना रही हूं तो मैं कैसे करूंगी, ये देखो, ये लिया, ऐसे मार्क कर दिया, ये देखो, ये ऊपर के साइड मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको यहां ये नैरो चाहिए, अगर ये नैरो चाहिए, नैरो को करने के लिए आप ये यहां पे जाओ, यहां से वन कंप्लीट 1/4 इंच अंदर जाइए, ठीक है, जो भी आएगा वो आप यहां से हिप, जो आपकी हिप लाइन है उसको इससे यहां से आप लोग जो भी आएगा आपका यहां मार्क कर दीजिए, ये नैरो हो जाएगी। जो हम लोग ऊपर से टॉप से यहां पे, अगर आप लोगों को इसमें स्लिट डालनी है तो स्लिट के लिए बता रही हूं, जो मैंने 2 इंच का ये बनाया था, अब मैं उसके लिए बता रही हूं, ठीक है। यहां से आप लोग उठाइए, यहां से 7 इंचेस नीचे जाइएगा, 7 इंचेस ऑलरेडी। अब इसका सीम देना है, सीम अलाउंस मैं कैसे दूंगी, सीम अलाउंस कैसे दूंगी, ये जो 2 इंच का दिया था मैंने गैप, मुझे वही पूरा लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे बॉटम में जितना जो भी यहाँ पे आएगा आपका, कितना सीम कितना जाएगा आपका, आप बताओ कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका 1 इंच, 1 इंच का यहाँ पे सीम जाएगा, 1 इंच का सीम जाएगा, ओके, मार्क कर लो कितना कितना बताया मैंने, 1 इंच का सीम यहाँ पे जाएगा, ओके। अगर आपको इसमें सीम बनानी है तो बना सकते हो, या फिर जब हम इसे काट फैब्रिक पे लेआउट करेंगे इसका, जब इस पैटर्न को रखेंगे ड्रॉ करेंगे तो वैसे भी कर सकते हो, ओके, दोनों तरीके भी कर सकते हो, पर इजी क्या रहेगा मैं आपको बताऊं तो आप लोग इसी पे ही बना लो, ताकि उस पे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, बस लेआउट करो, कटिंग करो और स्टिच कर लो, वो ज्यादा बेस्ट लगता है, राइट। यहां से साइड सीम कैसे करेंगे, साइड सीम यहां होती है,
यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे भी जाओगे आप लोग इसका गैप देना है, एक इंच का सीम देना है, कितना एक इंच का, ये हो गया सेम यहाँ पे ऐसे वन इंच का आप लोग देते जाओगे, ये वन इंच का गैप सॉरी वन इंच का सीम, जो हमारी ये वेस्ट है वेस्ट में आप लोगों को देनी है 3x8 inches, ठीक है मार्क करिए ओके। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी दोगे, ये फोल्ड किया हुआ है फोल्डेड है ठीक है, ये हमने सेंटर, ये हमारा है सेंटर बैक, हमारी ग्रीन लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीधी। अब हम इसे कट करेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको बैक की दिखाती हूँ, जिसे स्लिट चाहिए वो इधर से काटेंगे, जिसे स्लिट नहीं चाहिए वो लोग डायरेक्ट इधर से कर, और जो एक और चीज बता दूं, जिसे स्लिट नहीं चाहिए वो इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, जिसे स्लिट नहीं चाहिए और जिसे स्लिट चाहिए वो इधर से 2 इंच का गैप देके बनाएंगे ठीक है। नीचे का 1 इंच सीम, इधर साइड सीम का भी 1 इंच ठीक है, पूरा इधर हिप का भी, और वेस्ट से 3x8 inches ओके। इधर पे आप लोग मैंने जैसे बताया था कितना 3.5 पॉइंट बनाया, लाइन ड्रॉ करी, फिर इधर हाफ मार्क किया और सेम वैसे इसे मार्क कर लिया ठीक है, मार्क कर लिया। अब सेम आप लोग ये जो अपनी ये वाली लाइन जो है आपकी जो भी फिटिंग लाइन है, ये जो भी आपकी फिटिंग लाइन है, ये आप लोग इधर आप लोग यहाँ ट्रेस कर लेंगे। आप किससे ट्रेस कर सकते हो? ट्रेसिंग व्हील से ठीक है, ट्रेसिंग व्हील की मदद से आप लोग ट्रेस कर सकते हो ओके। और यहाँ पे आप लोग को मेंशन जरूर करना है ये कौन सा है, ये भी फोल्ड है, यहाँ पे भी हमारी ग्रेन लाइन है और ये हमारी है CF, हमारा फ्रंट है ठीक है। इसके बाद हम इसे कर देंगे सेपरेट ठीक है, ये सेपरेट कर देंगे और ये सारी मार्किंग हम इधर मार्क कर देंगे। एक और यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ये आपकी हिप लाइन है, ये आपकी वेस्ट लाइन है और ये आपका है बॉटम लाइन ठीक है, ये वेस्ट लाइन, हिप लाइन और बॉटम लाइन, ताकि आपको याद रहे। चाहे आप लोग यहाँ पे इसके फॉर्मूले भी लिख सकते हो ओके।